जिसको हम गर्व से कहें वो हिंदू राष्ट्र है। आखिर क्यों नहीं सर, क्यों नहीं, इतना हम क्यों सहें, आखिर हमारा ना धर्म क्या। ऐसे जो तुम चिल्लाती हो तो बानर सुअर लगती हो, इसमें कोई कमी नहीं है। पर चिल्लाती हो तो मुझे लगता है क्या कि वो जो ट्रेन पे रहता है ना, क्या बोलते उसको, हिजड़े, हाँ वही लगती हो। तो क्या ये बात सही है कि तुम वही लगती हो, जरा बता देना पब्लिक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मुझे डाउट हो रहा था इसलिए बोला, मुझे क्या पता, अरे हो सकता है भाई साहब। कैसा लगता है जब आपको कोई लोग ऐसे इंट्रोड्यूस कराता है तो? अब ये तो टट्टी है। इससे ज्यादा गौरवान्वित का बात मेरे लिए और क्या हो सकता है कि मुझे इतने बड़े उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है। अच्छा बड़ी उपाधि से? जी बिल्कुल। बोल रहे नारियल की शक्ल के तेरी फेम। भाई साहब इसका मुंह ना देखो, मुंह ना देखो, मुंह देखो इतना सा, बाल ना देखो, बाल देखो इसकी फेम, इससे बड़े बड़े तो भेड़ के। भाई साहब इसको आज अच्छा मीडिया मिल गया है, अभी इसका रिलाई करेगा, अभी प्यार से बात कर रहा है, उसके बाद इसका रिलाई करेगा, देखोगे ना जरा मजा आ जाएगा, सारे हेकड़ी निकाल देगी इसकी, जरा देखना तो सही, मजा आया इसकी आज की वीडियो में। ऐसा ऐसा मीडिया हो ना तो अनभक्त की अनभक्ति सारी अंदर चली जाएगी। 2024 को आने वाले जो टाइम है इलेक्शन का, उसको किस रूप में देखती हैं? बस हिंदुत्व के नाम पे जो सरकार दो बार बनी है, तीसरी बार भी उन्हीं का चांस है और चौथी बार भी उन्हीं का चांस है, आप चिंता ना करें। क्यों हिंदुत्व की सरकार ही बननी चाहिए, हम हिंदुओं को ऐसा क्या बेनिफिट मिल गया? आपको क्या लगता है, तो क्या अफजल की सरकार बने? नहीं बिल्कुल नहीं। हिंदुत्व की क्यों नहीं बननी चाहिए? आप क्या चाहते हैं हमारे देश में बाबरी खान बापी रहे? आखिर क्यों रहे मस्जिद, मंदिर बनाओ। क्या बोला तूने? बापी रहे, आखिर क्यों रहे मस्जिद, मंदिर बनाओ। सब ये कह रही है कि आखिरकार क्यों रहे मस्जिद, मंदिर बनाओ। तो भाई साहब मंदिर बनाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं हमको, आप अपना पूजा करो, परवाह नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये क्या कर रही है, आखिरकार क्यों रहे मस्जिद, तो मैं इसको एक बात कहना चाहूंगा, जरा सुनिएगा। आशा लिखड़ा यही ठोस दूंगी, जितने हैं तुम सारे का सारे, और दाई भी खेंचेगी और डाकघर भी खेंचेगा और लंगड़ा को जाओ मुलान भाई मुझे मुलान। उसपे मजार मस्जिद बना के ये पूजा करते हैं, सबसे घिनना बात ये है ना कि हमारे देश के दोगले हिंदू वहाँ पे जाके मत्था टेकते हैं, मुझे दिक्कत है इन चीजों से। अच्छा अगर मान लीजिए कि हम किसी मस्जिद के पास जाके मत्था टेकते हैं तो क्या हम दोगला हिंदू हो गए? जी बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि आपने अपना धर्म नहीं पढ़ा होगा तभी आप किसी। हम अभी बद्रीनाथ से यात्रा करके आ रहे हैं, केदारनाथ भी हम जा चुके हैं, अपने एक्सपोज मीडिया पे लाइव चला चुके हैं, और इसके बाद पटना जाके मस्जिद में मत्था टेकेंगे, कौन हमको ये अधिकार देगा या आपको अधिकार देगा कि हमको बोल दीजिए कि हम असली हिंदू नहीं है? चलिए ठीक है, मैं आपको बोलती हूं, आपने आप शमशान घाट गए कभी? बिल्कुल गए, कोरोना के टाइम जब चला था हर रात 11 बजे एक्सपोज मीडिया जाता था कवरेज दिखाने के लिए। शमशान घाट जाने के बाद जब आप मुर्दा शरीर को जला के आते हैं तो आप घर तभी घुस सकते हैं जब के बाद मत्था टेकने के बाद, कैसे सही सलामत घर आते हैं? क्यों आप तो अपवित्र हो गए? अच्छा आपको किसने कहा कि हम मुर्दा जलाने के बाद नहा के घर पे आते हैं? किसने कहा? हमारा धर्म सिखाता है हम नहीं करते ये चीज, क्यों नहीं करते? धर्म जरूरी है कि हर चीज सही सिखाता है। जी बिल्कुल, हमारा धर्म सिखाता है। पोस्टमार्टम जो डॉक्टर करते हैं आपको पता है वो कौन होते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौन होते हैं उसमें? डेथ 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 हो चुका होता है जिस इंसान का, उसका पोस्टमार्टम जो डॉक्टर करते हैं वो हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, सिख होते हैं, ईसाई होते हैं, आपको पता है? आपको पता है कि इस देश में जितने भी उच्च पद हैं वो डॉक्टर ही होते हैं, और अगर गलती से वो मुसलमान डॉक्टर हुए तो गलती से डॉक्टर कोई गलती से बनता है? नहीं नहीं गलती से, मैं धर्म की बात कर रही हूं। नहीं डॉक्टर डॉक्टर बनना धर्म का, अगर मैं हिंदू हूं मैं अनपढ़ रह जाऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं इंजीनियर बन, ये फंस गया सी है जाऊंगा क्या? प्रोफेशनल अफजल गुरु का नाम सुना? नहीं सुने, आप बताइए। अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, यही नारा लगा था जेएनयू में, और वो मुसलमान हमारे देश का प्रोफेसर था, वो मुसलमान था। हम उसको जिंदाबाद बोल रहे हैं, हम उसको जिंदाबाद बोल रहे हैं क्या? हर हिंदू उसको जिंदाबाद बोलता है? प्रोफेसर था, रतन जी का नाम सुनिए, रतन जी का नाम सुनिए, रतन जी का नाम सुनिए, वो भी प्रोफेसर थे, उनको भी जेल जाना पड़ गया। तो दिक्कत यही है, वो हिंदू थे उनको जेल जाना पड़ गया। क्यों जेल? वही हिंदू जाएंगे और ऐसे बात वही हिंदू करेंगे जिन्होंने अपना धर्म। चलिए गांधी जी भी जेल गए थे, गांधी जी की तो बात आप मत करिए, गांधी सब पर गांधी बने ना, कोई दो थप्पड़ लगे गाल पे तुरंत गोडसे हो, गांधी की बात मत। अच्छा एक बात, गोडसे को मानती है या गांधी को मानती है? ये तो आप डबल सवाल पूछ रहे हैं, जब तक हमारा, इसलिए क्योंकि गांधी सब करे ना गांधी जैसा कोई आपने बोला, आप मानते हैं इन सब इनको? नहीं, क्योंकि हम एक पत्रकार हैं, हम ना हिंदू मानते हैं ना मुस्लिम मानते हैं ना हम धर्म मानते हैं, हम एक जेन्युइन इंसानियत को मानते हैं, आप किसको मानते हैं? और इंसानियत तो हमारा सनातन धर्म ही सिखाता है। हाँ? आगे बोलिए। अच्छा ये इंसानियत कौन सिखाता है? सनातन धर्म। बस एक मिनट, बस एक मिनट, हमसे आप काउंटर सवाल करिए, बिल्कुल करिए। अच्छा एक बात बताइए, गुरुद्वारा में रोज लंगर लगता है आपको पता है? आप पहले सवाल, आप सवाल पूरा करने देंगे और सवाल नहीं, मैं आप जवाब दीजिए। और उसी गुरुद्वारा के गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह, नहीं पढ़ने की जरूरत है, अगर नहीं पढ़ाया तो पहले अपने धर्म से सब, अपने धर्म को। मैं ये पूछ रहा हूँ की धर्म महत्वपूर्ण है या इंसानियत? मुझे ये पूछना है की धर्म मजबूत, धर्म जरूरी है या इंसानियत? धर्म जरूरी है या इंसानियत? धर्म जरूरी है या इंसानियत? अरे आप धर्म जरूरी है या इंसानियत? आपको नहीं पता? नहीं नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि धर्म जरूरी है या इंसानियत? भाई साहब मौका देखते ही खुशबू पांडे ने पतली गली से निकल दिया। अगर ऐसा ऐसा मीडिया रहे ना तो बदबू पांडे अपने आप सुधर जाएगी। मैंने खुशबू पांडे ऐसे ही बदबू पांडे है, टेंशन नहीं लो। तब हमारे वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था, बोला था इसका नाम है खुशबू पर ये फैलाती है बहुत बदबू। भाई साहब बात तो सही कहा है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी, आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो।